ओबोल्या तेरी गरमे कोन्या धूप लागरी भूख काल जा खासे तेरे बाल करो वे चार करो की मासे करपर को जातू लागरी भूख काल जा खासे बाल करो वे चार करो की मासे तेरे घर में कौन है टूक लाग दी भूख गाल जा खास है तेरे बाल करो चार कड़ी की मांस है पहली कड़ी में बोला कि किस प्रकार से बच्चा जन्म धार के इस पृथ्वी पे आता है पिताजी के क्या फर्ज होते हैं बेटे के क्या फर्ज होते हैं पहली कड़ी में बहुत अच्छी बात लिखी किस प्रकार से कहते हैं पिताजी को याद करे पुत्र का पिताजी पुत्र आत्मा का आत्मा से आत्मा के संग में मेल तीन आत्मा भला तीन आत्मा पुत्र का रक्षा यो कम होम मत्ता का नीर यो बनिया शरीर प्रभु की न्यास जब ये बात सुनती है तो बच्चे की आंखों में पानी आ गया बोली तू 9 महीने तक तुझे पेट में रखा पेट पाड़ का जन्म दिया और तू आज कह कड़े की मां से बहुत दुख झेलने पड़ते हैं दूसरी बात मैं माता अपने बेटे तक के कहने लगी हो गया
ओ ये ते रोवेंगे दिन रात बिगड़ की जात जगर में घास है हरियाणा के सूले कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के शिष्य मांगे राम जी ने लास्ट कड़ी में निचोड़ करया मिश्रानी सुदामा दजा का बोरी ने टोटा बिखा इतना आगे तो यार बताया करे किशन ने उसका दौरा उतारना पड़ेगा और कुछ न कुछ तो लेकर आना पड़ेगा। लास्ट कड़ी में बताते हैं सुदामा बड़े स्वाभिमानी आदमी थे, कहने लगे नहीं जाऊंगा, लेकिन बार बार फिर कहने लगी मिश्रानी लास्ट कड़ी में बोली हमने देखे होंगे धूप का कारण लड़ाई करते चढ़ाई करते लेकिन पति पत्नी हो है ना ये कमाई करते हैं जब भूख आ जाता। अंतिम कड़ी में मांगे राम जी ने निचोड़ कर रागनी का ये लिखा देखे भूख में कमाई करते पत्नी पत्नी हमने देखे भूख में कमाई करते चले मांगने समान जाए वो मंगा करता लक्ष्मी चंद मंगाओ डमंग राम मांगने पे लाग्या बंद किरसन धोरे श्री किरसन धोरे मांग ल्याओ हरे कट जाएंगे दलदल बंद किरसन धोरे मांग ल्याओ कट जाएंगे दलदल बंद सबते बड़ा नरेश हरी कादे सबते सबते बड़ा नरेश हरी कादे सपादर आदासे Yeah.